नमस्कार, इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल को लेकर इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अमृतपाल जो है वो राजस्थान में छिपा हुआ मिलने की जानकारी, जो इनपुट्स हैं वो पुलिस को मिले हैं। और ये कहा जा रहा है कि हनुमानगढ़ ज़िले के संगरिया इलाके में एक गांव में छिपे होने की जानकारी जो मिली है, इसके बाद राजस्थान पुलिस जो है वो एक्शन में नज़र आ रही है, एक्टिव हो गई है। साथ ही पंजाब पुलिस जो है वो भी वहां पहुंचने की तैयारी कर रही है, या ये कहा जा सकता है कि जवान जो है वो पहुंच गए हैं। और खबर ये है, क्योंकि जिस तरह से देखा जाए 27 दिन बाद भी पुलिस को चकमा देकर लगातार अमृतपाल भागने की फिराक में जो है वो कामयाब रह रहा है। और अब देखें तो इस पूरे मामले में पपलप्रीत की गिरफ्तारी हो गई है। पपलप्रीत से लगातार पूछताछ की जा रही है, कहाँ छिपा हुआ है। कोशिश ये थी, क्योंकि कल बैसाखी का दिन है, बड़ा दिन है पंजाब के लिए, और इस तरह की खबरें सामने आ रही थी कि बैसाखी पर जो है वो सरेंडर करने की तैयारी में है अमृतपाल। लेकिन यही दूसरी खबर सामने आना राजस्थान से, जहां पर हनुमानगढ़ में छिपे होने की जानकारी जो है वो मिल रही है। हालांकि जो राजस्थान के DGP हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा जानकारी जो नहीं दी गई है, पुलिस अधिकारी अभी इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे रहे हैं। DGP उमेश मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में एक ब्रीफिंग के दौरान सिर्फ इतना ही कहा है कि हम कामयाबी के काफ़ी करीब हैं, ये कहा गया है। पपलप्रीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद से अमृतपाल के श्री हरमंदिर साहिब और दमदमा साहिब में जो है वो जो कहा जा सकता है कि सरेंडर करने की वो फिराक में था। धार्मिक संगठन की आड़ में जो है वो सरेंडर करने की फिराक में अमृतपाल जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा था। हालांकि अमृतपाल के दो मददगार जो हैं, जिनकी गिरफ्तारी की गई है, होशियारपुर में अमृतपाल की मदद करने वाले दो भाइयों को भी अरेस्ट किया गया है। ये दोनों भाई जो हैं वो राजपुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं, हरदीप सिंह और कुलदीप सिंह के नाम से इनकी पहचान हुई है। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है अब एक्टिव नज़र आ रही है, क्योंकि कल तक पुलिस, पंजाब पुलिस की बात करें तो छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, पुलिस एक्टिव है। और ये कोशिश हो रही है कि सरेंडर से पहले अमृतपाल की जो है वो गिरफ्तारी कर दी जाए। इसके लिए जो पंजाब पुलिस है वो भी राजस्थान पहुंच गई है, हनुमानगढ़ के आसपास की इनपुट जो है वो मिली थी अमृतपाल की। लेकिन क्या वाकई कामयाबी मिल पाती है, सरेंडर करेगा या गिरफ्तारी होगी अमृतपाल की, तो देखना होगा। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा।